दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आज दिल्ली के उपराज्यपाल के यहाँ पर DDMA की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया कि आने वाले 31 जुलाई तक दिल्ली में करीबन 5.5 लाख कोरोना के केस होने का अंदाजा जताया गया है। और इस बैठक में तमाम चीजों पर चर्चा की गई कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में रणनीति बनाई जाएगी। दिल्ली सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि दिल्ली के लोगों का ही इलाज दिल्ली के अस्पतालों में होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में किस तरीके से लोगों का इलाज होगा, क्योंकि 80,000 बेड की बात भी यहाँ पर कही गई है कि आगे आने वाले समय में करीबन 80,000 बेड की जरूरत होगी। दिल्ली सरकार ने कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने उस फैसले को पलटते हुए ये कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में सभी लोग यहाँ पर इलाज करवा पाएंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर बैठक हुई है, उसमें तमाम चर्चाएं हुई, आगे रणनीति किस तरीके से तय करनी होगी, तमाम बेड के इंतजाम कहाँ से होंगे। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि LG की तरफ से कहा गया है कि हम इन सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं, आगे आने वाले समय बताया जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर आज एक ऑल पार्टी मीट भी होने वाली है, तो तमाम जो पार्टियां हैं वो यहां पर पहुंचेंगी, तमाम लोग यहां पर पहुंचेंगे, और उसके साथ कोरोना को लेकर, कोरोना से निपटने के लिए यहां पर रणनीति तय की जाएगी। अभी SDMA की मीटिंग में इस बात पे चर्चा हुई कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। और मामले कितने तक हो सकते हैं? 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1,00,000 केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल LG साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। जब आज LG साहब से DDMA की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे, तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। इतना ज़रूर है कि अगर पुराने ग्रोथ रेट को माने दिल्ली में, तो 12.6 डेज पर जो डबल होने का है उसमें सबकी सहमति थी कि आने वाले समय में 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स चाहिएंगे, 15 जुलाई तक 33,000 और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स चाहिएंगे। तो ऐसे में LG साहब ने जो कल फैसला लिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सबके लिए खोला जाए, उससे दिल्ली के जो लोग अब दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। हमने SDMA की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था, LG साहब ने उस पर सहमति नहीं जताई। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को अगर केसेस इसी रूप से दिल्ली में बढ़ते हैं और बाहर से भी आके 2-3 दिन में 4 दिन में 10 दिन में दिल्ली के जो अभी अवेलेबल बेड्स हैं वो भर जाते हैं, तो इतने सारे केसेस
जब आगे आएंगे और इतने सारे बेड्स की जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से आएंगे? अभी इसका जवाब एसडीएमए की मीटिंग में कहीं किसी कम्युनिटी ट्रांसफर को लेकर कुछ हुआ तो हमने उनसे यही कहा कि इसको रिकंसीडर करें, उन्होंने मना कर दिया था रिकंसीडर करने से, लेकिन अब जो भी है हम उसको लागू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में देश के जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हो सके, और दिल्ली के लिए भी पूरी कोशिश रहेगी जितना मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड कर सकें, जितना अधिक से अधिक संख्या में ऑक्सीजन बेड्स और ये सब खरीद सकें। इतनी संख्या में ऑक्सीजन बेड्स बनाने की अभी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे, उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।